नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉलम बीम स्लैब का जो काम चल रहा है ना, अभी जो है यहाँ पर छत का भी काम चल रहा है। इसके अंदर कितना mm का रॉड यूज़ करना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका बीम है। बीम में क्या है, आप देखें तो क्या मालूम हो रहा है आपको, सिर्फ पाँच ही रॉड डाले इसके अंदर। पाँच ही रॉड क्यों डाले भाई, वो एक डाउट आता ना आपको। सो क्यों बोले तो देखोगा, फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आता आपका बीम। सो एक यहाँ पर देखिएगा, एक दो तीन रॉड नीचे की तरफ, ऊपर जो है ना दो रॉड दिया गया। सो नीचे की तरफ तीन रॉड, ऊपर की तरफ दो रॉड है। इस तरह से यहाँ पर लिए ऊपर क्या है ये देखो, दो रॉड है। बिकॉज जो बीम है ना टेंशन रहता, नीचे की तरफ ज़्यादा वेट पड़ता, ऊपर की तरफ लाइट वेट पड़ता। एंड यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो इधर आता आपका छः इंच का जो जगह कवरिंग, यहाँ पर जो है छः इंच तक जगह मिल रहा है उसकी वजह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पर आप जंक्शन में की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जंक्शन है, ये बार्स, ये वाला बीम का बार वहाँ तक जॉइंट हो रहा, फिर ये वाला बीम का बार जो है कंटिन्यू जा रहा, और कॉलम की रॉड जो है इसी तरह से कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, इधर जो है ना कॉलम का रॉड कंटिन्यू हो रहा ऊपर तक। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं हिडन बीम और उसके साथ साथ जो है ना छत के अंदर कैसा डिज़ाइन रहता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छत के अंदर जो है ना ये ऊपर तक आया, ये नीचे ऐसे ही जा रहा। जो शॉर्ट स्पैन रहता देखो, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं 10 mm का रॉड, और लॉन्गर स्पैन में क्या है आप लोग यूज़ कर सकते हैं 12 mm का रॉड, सॉरी 8 mm का रॉड। एंड कंक्रीट टेप का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना कंक्रीट टेप। कंक्रीट टेप क्यों यूज़ करना, बिकॉज जो सीमेंट का पानी रहता है देखो, वो गैप के अंदर से जो है नीचे नहीं जाना बोल के क्या है कंक्रीट टेप यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब मान लीजिए स्पैन ज़्यादा है, वो एंड से लेके यहाँ तक जो है काफ़ी ज़्यादा स्पैन है, तो उसकी वजह से यहाँ वहाँ पर यूज़ किया गया है 16 mm का रॉड। ये ऊपर की तरफ दो एंड नीचे की तरफ दो रॉड, ये 16 mm का, एक दो टाटा टिस्कॉन 500 TMT बार है, 16 mm टाटा टिस्कॉन का 500 SD बिल्कुल है। और हिडन बीम, यहाँ पर देखिएगा ये आता आपका हिडन बीम। हिडन बीम के अंदर रॉड की साइज़ क्या है, एक दो तीन चार, सो चार रॉड है। चार रॉड के अंदर देखो इधर कोई बीम नहीं आ रहा, या फिर अगर आपको बीम लेना नहीं है उस वक्त जो है हिडन बीम यूज़ कर सकते हैं। वो कॉलम से लेके ये वाला कॉलम तक जो है ना हिडन बीम दिया हुआ है। एंड नीचे चार, नीचे दो, ऊपर दो, एट 10 inch स्पैनिंग दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर नीचे और एक रॉड भी दे सकते, प्लस और जो है ना ये जो है 6 mm का भी आप इस्तेमाल कर सकते। ये जो बांधे देखो, इसको बोलते हैं लैटरल टाइज स्टीरअप कॉमन वर्ड, आप 6 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉलम की छत के अंदर देखो 6 इंच की दूरी पे हर रेक को बांधे गए, इसको भी नाट बोलते हैं या फिर इसको जो बाइंडिंग वायर से बाइंड किया है ना, एक दो तीन चार सभी को बांधे हुआ है ओके बाइंडिंग वायर की मदद से। इस तरह से एक अच्छा एक नीट वर्क चल रहा है मैं एक साइड पर। एंड इधर ये रॉड जो है ना यहाँ पे बेंड हुआ है, इस तरह से गया हुआ है। सो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बोलिएगा। एंड थोड़ा बहुत कुछ जो है ना आप देख लीजिए, यहाँ पर बेंड किया हुआ है, इधर देखिएगा ये बेंड हुआ है यहाँ पे, इधर भी। और इम्पोर्टेंट क्या है बोलो, ये रॉड आप जॉइंट करते देखो उस वक्त तो रॉड स्ट्रेट है या नहीं वो देखना ज़रूरी है छत डालने से पहले, ठीक है साथियों। एंड यहाँ पर देखिएगा 2.5 × L करना, कैसा यहाँ से यहाँ तक 2.5 feet, ये 5 feet, ये 2.5 feet, ऐसा 2.5 × L के हिसाब से क्या है बेंडिंग करते हैं।